फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता हम सभी खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। लेकिन अगर आप बोरिंग तरीके से खा खा के पक गए चुके हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बचे जो भी घर में सब्जी अवेलेबल हो उसे कट करके रख लीजिए और एक कढ़ाई गर्म कीजिए। कढ़ाई में एक ही चम्मच तेल डालिएगा, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, और आधा छोटा चम्मच जीरा डालिए और आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, और इसे आप पका लीजिए जब तक कि सरसों के दाने और जीरा अच्छे से न पक जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके रख लीजिए, और इस तेल में जैसे ही जीरा सरसों जल जाए, ब्राउन हो जाए, इसके बाद आपको इसमें कटे हुए मिर्च डालने हैं और 4 से 5 कड़ी के पत्ते डालने हैं, जिससे कि थोड़ा सा स्पाइसी बने, चटपटा बने। और इसके बाद आपको इसमें डालना है कटे हुए प्याज, कटे हुए आलू, आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हों उसे आप बारीक काट करके रख लीजिए और इसमें यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो गाजर हो, कॉलीफ्लावर हो, फूलगोभी, जो भी हो आप डाल सकते हैं, बीन्स हो। और इसे आपको अच्छे से भून के पकाना है, आलू प्याज जो भी सब्जियां आप डालते हैं। इसे ढक कर पकाएंगे तो बहुत जल्दी ये पक जाएगा, तो लगभग 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही चटपटा लगता है। नाश्ते में अगर आप इस तरह से नाश्ता बनाते हैं तो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ढक ढक कर आपको पकाना है जिससे कि ये जल्दी पक जाए। आप देख पा रहे हैं प्याज अच्छे से भुन गया है, आलू भी पक चुका है। इसके बाद आपको इसमें थोड़े से नमक डालना है ताकि आलू और अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद आपको नमक डालना है, और इसके बाद भी नमक डालने के बाद भी आपको थोड़ी देर और इसे ढककर ही पकाना है जिससे कि जल्दी पके। और इसे बिल्कुल पकने में टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ही ये नाश्ता तैयार हो जाता है। जब भी आपको जल्दीबाजी हो आप इस नाश्ता को ट्राई कर सकते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ इसमें फाइबर भी है तो ये बहुत ही अच्छा होता है और बहुत कम समय में बनता है। अब हम क्या करेंगे, नमक डालने के बाद हमने इसे पका लिया है, अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और कटे हुए टमाटर भी डालेंगे, और इसके बाद इसे और पकाएंगे हम ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए आलू के साथ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टमाटर पहले नहीं डालना है, आलू में या जो भी सब्ज़ी आप लेते हैं उसमें नमक डाल के पकाने के बाद ही आपको टमाटर डालना है, और इसे भी आपको ढककर पकाना है। जब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, आप देख पा रहे थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है टमाटर, तो अब आपको इसमें कटे हुए शिमला मिर्च भी डालना है। जितना रंग बिरंगी सब्जियां आप यूज़ करते हैं उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो जो भी सब्जी अवेलेबल हो जो आप डाल सकते हैं वो सब डालकर बनाइए। बहुत ही कम समय में ये टेस्टी नाश्ता, एकदम चटपटा नाश्ता तैयार होता है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लेक्स। मैंने यहाँ 10 वाली कॉर्नफ्लेक्स ली है, 2 पैकेट। एक पैकेट में लगभग 100 ग्राम जितना होता है कॉर्नफ्लेक्स, तो आपके हिसाब से आपको जितना लेना है, क्वांटिटी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितने लोग हों, जितने लोगों के लिए आपको बनाना है। और सब्जियों का भी क्वांटिटी, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद आता है। तो इसे भी हमें थोड़ा देर भून लेना है, और इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, थोड़ी देर इसे ढक कर हम पकाएंगे। और इसी चम्मच से आप देख पा रहे हैं 2 बड़े चम्मच हैं पानी हमें इसमें ऐड करना है ताकि कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से सब्जियों के साथ पक जाए। इसमें हमें थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा सा सॉफ्टनेस मिलेगा और ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। 3 से 4 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। जब भी हड़बड़ी हो आप आराम से ये नाश्ता बना सकते हैं। तो आप देखिए बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया, और देखने में भी कितना कलरफुल दिख रहा है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जितना कलरफुल सब्जियां हम खाते हैं उतना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ये नाश्ता तैयार हो गया है, धनिया के साथ गार्निशिंग कर दीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये नाश्ता हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, चटपटा भी है, और बनाने में तो आसान है ही, और इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर खबरी पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ का कंटेंट बिल्कुल अलग होता है। आप लिंक से जाइए, अगर आपको वहाँ का कंटेंट पसंद आता है तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही कुछ और इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।